ओ भाई और उनकी बहनों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबका प्यारा पॉकेट ट्यूबर। तो आज हम खेल रहे हैं पोकेमोन एल्टायर का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 चेक नहीं कराया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा प्लीज़। तो नहीं स्टार्ट करते हैं गेम को। तो पिछली बार हमने अपना पोकेमोन मिल गया, तो हमने जो एस वो थी अप्रैल उसको हरा दिया था। अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जो हमारे लेखा जोगा था वो हमने कर लिया है, पोकेमोन लेना कि पोकेडेक्स लेना, पोकेबॉल से लेना, ये सब। तो अब हम जाएंगे आगे ताकि हम अपना एडवेंचर स्टार्ट कर सकें। और एडवेंचर से पहले हमें स्टारली मिल चुका है और हमारा ब्लेज भी बहुत अच्छा लेवल का हो चुका, कर दिया मैंने, वही लेवल है जो कल था, कहाँ का अच्छा है। तो ये बंदा भर चुका है यहाँ से, जो पहले यहाँ जाम लगा के बैठा पड़ा था। रूट नंबर 102, रूट 102। तो ये बंदा क्या कर रहा है ऊपर? मैं यहाँ पोकेमोन कैच करने के लिए आया हूँ। तू क्या करने आया है? ये कौन आ गया? अगर तुम्हारे पास कोई एक पोकेमोन है तो तुम ऑफिशियल पोकेमोन ट्रेनर हो, मुझे चैलेंज को मना नहीं कर सकते। तो मैंने कौन सा मना करा है? आधा तेरे पोकेमोन ले के, वैसे भी तुझे हारना ही है। ओहो टाकूनी यार, ये पोकेमोन मुझे बहुत गजब लगने लग गया जब से मैंने देखा है इसको। एक टाकूनी देखना ही पड़ेगा किस तरीके का है। टाकूनी एकदम बिल्कुल जैपनीज जैसे नेम नहीं होता ना, टाकूनी टाकूनी रख दिया एकदम। नाम ही पता नहीं कहाँ कहाँ से गजब गजब ढूंढे थे, अलग अलग विचित्र तरीके के नाम, बिल्कुल डिफरेंट। तो ब्लेस टैकल अटैक करो वरना ये टाकू, ये टाकूनी बैंड बजा देगी। ओ भाई ये सैन अटैक कर करके मार देगी मेरे को। मेरे पास पोशन नहीं है, नहीं तो मैं हार जाऊंगा अगर मैं आपको छुआ। एक मिनट रेस्ट करता हूँ मैं। तो जय गॉड, हरा दो इसे। हम जीत चुके हैं 63 एक्सपीरियंस पॉइंट, लेवल 8 का हमारा हो चुका है ब्लेस। ऑल राइट मैं हार गया, मुझे और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। मुझे 80 रुपीस मिल चुके हैं। हाँ, तुझे वैसे भी हारना था, मैं ठीक करा के आता हूँ गाइस पोकेमोन। तो गाइस हमें अपना पोकेमोन ठीक करा लिया और मैं एकदम आगे बढ़ गया, मुझे बंदा मिल चुका है उससे अगले वाला। हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम मेरे बग टाइप पोकेमोन के साथ बैटल करना चाहते हो ना। अरे यार वैसे भी तू हारेगा, तो मेरे पास फ्लेम पोकेमोन है पर इसके पास फायर अटैक तो है नहीं ब्लेज के पास। अरे यार तू फायर अटैक कब सीखेगा? लेवल 8 का हो चुका, इतने में तो यार मेरे दूसरे पोकेमोन होते हैं ना वो भी सीख जाते हैं एम्बर अटैक। तो शायद सर एम्बर सीख जाते हैं या कोई जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कोई और तो सीख ले, कोई अच्छा अटैक सीख लिया। टैकल तो फुटबॉल जिस तीर सकल है, जिस फुटबॉल के ऊपर स्टैंपर की बॉल नहीं रख देते हैं वैसे लग रहा है ये भी। स्ट्रिंग शॉट, अरे कुछ नहीं होने वाला स्ट्रिंग शॉट, तो स्ट्रिंग शॉट तो वो अपने आप में चिपका ले फिर से यार। तो इस वीडल की बैंड बजा दे ब्लेस टैकल अटैक करके। एक और स्ट्रिंग शॉट, कोई बात नहीं, हम स्ट्रिंग शॉट से वैसे भी लड़ते रहते हैं। तो हमारा ब्लेस लेवल 9 का हो चुका है, लेवल 9 का, और इसने अभी तक कोई एक भी अटैक नहीं सीखा। मजा नहीं आ रहा है। तो हम आगे चलते हैं हमारे जर्नी में। और ये छोटा सा बच्चा क्या है? आई एम शॉट सो आई सिंक राइट इन टू टेलीग्रास वीडर गो माई नॉइस एंड फॉ। क्या खा गया तेरी नॉइस को वीडल? ये अगला बंदा कौन है? हो हैव यू जस्ट बिकम, क्या तुम एक ट्रेनर हो? इन केस वी आर बोथ नोविसियस। अरे मैं तेरी तरह ना हूँ, चुपचाप स्टार्ट कर दे, मैं एकदम अलग बंदा हूँ। हा हा हा, ये वैसे हमारा जो ये करेक्टर है ना, ये वैसे तो यार लगभग बच्चा लग रहा था जब वैसे आया था, अब तो थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है। जब इंट्रोडक्शन हुआ था तब तो बच्चा लग रहा था, 8 या 9 साल का, अब तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है। फिर टाकूनी लेकर आ गया लेवल 4 की ये, और फिर हमारा ब्लेज आ चुका है। ये टैकल अटैक कर करके मैं थक गया, इतने टैकल मैंने कभी नहीं मारे, इतने में तो कोई दूसरा अटैक सीख जाता है। टाकूनी फैंटेड हो चुकी है और 51 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ हम आगे चल रहे हैं। हा हा हा, फिर आ चुका है स्टारली और टैकल अटैक से मेरा डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई होप आगे कोई एक ट्रोनर और ना आ जाए, एक दो और ना आ जाए, वरना भाई मुझे वापस जाना पड़ेगा हील कराने के लिए। 48 रुपीस, थैंक्स यार तुझे हारने के लिए। 2 ऑरेंज बेरीज मिल चुकी है हमें जो हमारे आगे काम आ सकती है, और
टू पीचा बेरीज मिल चुकी है जो हमारे और भी ज्यादा काम आ सकती है। करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अरे यार बीड़ू यार, तेरे तो हर एक चीज काम आती है, क्यों नौटंकी करता है? अरे मुझे पता यार, मैं हर एक चीज काम आती है, पर यार थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना। तो गेम में आ जाना मेरे को वापस। तो एक और ट्रेनर मिल चुका है हमें गाइस, ट्रेनर मिल चुकी है। आई एम गोन कीपिंग विनिंग एंड एम टू बी बेस्ट ट्रेनर। मैं ही जीतूंगी और मेरा लक्ष्य एक अच्छा ट्रेनर बनने का है। हेल्प मी, मुझे अपने कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करो। तो मैं क्या करूँ, बनना तेरे को, मेरे को थोड़ी बनना है। तो मुझे कह रही है लेस टियाना वुड लाइक टू बैटल। लेस टियाना बैटल करना चाहती है, तो बैटल कर ले मुझसे, कोई बात नहीं। टाकुनी फिर लेकर आ गई, और टाकुनी भाई लेवल ही मेरा बहुत कमजोर है टाकुनी, फिर भी तुझे हरा दिया ना मैंने। हाँ हाँ, अरे हम तो है ही माँ। देखो देखो गाइस, देख किस तारीफ कर रहा है खुद की, है अबे वो पागल। ओए ऐसा मत बोल, मेरी ऑडियंस है, मैं तो करूंगा, मन करता है थोड़ा बहुत तो। ठीक है कर ले जा, जा कर ले। तो गाइस हम गेम में वापस आ चुके हैं, ये तो बकवास करता रहेगा। ब्लेस हो चुका है हमारा लेवल 10 का, और एम्बर अटैक आखिरकार, इसने एम्बर अटैक सीख लिया। इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। मैं बहुत हैप्पी हूँ अब तो। अब आ जा भाई, शुरू में बिल्कुल सही टाइम पे सीखा इसने एम्बर, नहीं तो ग्रास टाइप है ना ये, मेरी ना स्टन स्पोर्ट दे दे मार देता। और उसका टैकल अटैक कितना पावरफुल है यार। कूल, आई होप गोड़ा आपने बिल्कुल ठीक टाइम पे मुझे दिला दिया भाई। भाई सॉरी सॉरी गोड़, एम्बर अटैक ठीक टाइप मिल चुका मुझे ठीक टाइम में, नहीं तो मैं हरा नहीं पाता अब तक तो, हार के पोकेमोन सेंटर में होता। पोशन मिल चुका है हमें नीचे की तरफ। तो अब हम शायद पहुंच चुके हैं पेटरबर्ग सिटी में, जहां सबसे पहले आते ही मैं अपना पोकेमोन हील कराऊंगा। नर जॉय मेरा पोकेमोन हील कर दीजिए। ओके थोड़ी इंतज़ार करो, मुझे अपना पोकेमोन दो, मैं ठीक कर देती हूँ। थैंक्स फॉर इट नर जॉय। तो पेटरबर्ग सिटी हम आ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आइटम खरीद लेते हैं जो हमारे आगे जाके काम आ सकता है। पोशन, पोशन मेरे को खरीदना है, दो पोशन ले लेता हूँ, आगे जा काम आ सकते हैं। एंटीडोट तो पक्का लेना है, एंटीडोट से तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है पॉइजन अटैक से। तो एक बार तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया था मैं, एक गेम खेल रहा था एक बार, जिस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था उस टाइम पता नहीं मेरे पास ये मुझे वो हो गया था, मेरे पोकेमोन्स को सब होगा पॉइजन, और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी उस टाइम। तो अभी गेम में आते हैं, पुरानी बात ले क्या फ़ायदा। एवेकिंग ले लिया क्या मैंने? ना नहीं लिया, दो आएंगे 500 रुपये के, कोई बात नहीं। आज बहुत पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, 3000 प्लस, हा 3000 प्लस रुपीस। तो ये घर कहाँ से बन गया? घर में देखते क्या है। रिमोरो बिकम अवर टाउन एंड न्यू जिम लीडर। रोमेरो हमारे टाउन का न्यू जिम लीडर है, ये कैसे हो सकता है? आई बैटल रोमेरो वंस बट व्यू ही वाज टू स्ट्रॉन्ग। मैंने एक बार रोमेरो से बैटल की थी पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देख लेंगे यार तेरा रोमेरो क्या क्या है उसका नाम, वो शायद मे के डैड है शायद यार, हर गेम में तो मे के डैड होते हैं ना। वैसे भी पोकेमोन्स के जो उनमें सीजन में होने लीग वाले में उसमें मे के डैड है यार, फिर ये कैसे हो सकता है? रोमेरो नाम तो नहीं उनका? अरे यार मैं शायद भूल जाऊँगा, देख लेंगे वहाँ जाके। माई फेस इज रिफ्लेक्टेड इन वाटर। मेरा चेहरा पानी में बिल्कुल रिफ्लेक्ट दिखाई दे रहा है मेरे चेहरे का। इट इज़ ए शाइनिंग ग्रीन फूड ऑफ होप। अरे यार खुद की तारीफ खुद कर रहा है, देख कैसा बंदा है ना यार, बना बनाया सपूत। तो अंकल जी ट्रैवलिंग इज वंडरफुल, ट्रैवलिंग करना बहुत बहुत मज़ा आता है। जब मैं जवान था तब मैं समुद्रों और माउंटेन्स में घूमने के लिए जाता था। हो सकता है यार जाते हो गए, हमें तो नहीं पता, मैंने पूरी बात ही नहीं सुनी इन लेडे की, बस अंकल की बात सुन रहा था। आपसे क्या बात करनी? वेयर हैज अवर बिली गोन? वी हैव टू लीव द वेरी टफ टाउन वेरी सून। तो यहाँ कुछ है ही नहीं जो मैं कुछ कर सकूँ, पर यहाँ तो सबसे लोगों से बात कर लेता हूँ जहाँ कुछ मिल सके मेरे को। हैव यू हियर्ड ऑफ पिकाचू? क्या तुमने पिकाचू को सुना? यस, कहाँ सुनूंगा मैं, पास है भी नहीं। एक बार नो करके देख लेता हूँ। अरे यार फिर यस कर दिया यार, एक बार नो। वुड यू हियर्ड ऑफ पिकाचू? नो, यू हैव रियली नेवर हियर्ड ऑफ पिकाचू? तुमने कहीं पिकाचू की नहीं सुना, पिकाचू के बाद नहीं सुनी? अब ये कौन है? यू आर यू मे बी ए रुकी ट्रेनर?
डू यू नो वैट पोकेमोन ट्रेनर्स डू वैन दे रीच ए न्यू टाउन दे फर्स्ट चेक वाट काइंड ऑफ जिम इज इन टाउन चेक करके देखो कि यहाँ टाउन में किस तरह की जिम है देखो ये पेटरबर्ग सिटी जिम है तो गाइस पीछे तो नॉइस आ रही होगी उसके लिए सॉरी दिस इज अ जिम सीइंग लुक फॉर इट वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर अ जिम तो मैं जिम को क्या देखूँ यार जिम में है ही क्या जो मैं देखने के ओहो ये तो नहीं है रोमेरो यार बिल्कुल अलग है तू मेरे का डैड भी नहीं है बिल्कुल अलग है यार ये तो तुम कौन हो ओ तुम्हारा नाम ब्रैंडन है तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर यू लोग क्या तुम आ चुके हो वेट यू हैव पोकेमोन विद यू तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पोकेमोन है ऑफकोर्स यू आर हेयर टू बिकम ऑफ माई स्टूडेंट तुम यहाँ मेरे ऑफकोर्स तुम यहाँ मेरे स्टूडेंट बनने आए हो राइट अरे नो नो मैं तेरे स्टूडेंट क्यों बनूंगा मुझे खुद की मेहनत करनी है मुझे क्यों बनना स्टूडेंट है आपका स्टूडेंट क्यों बनूंगा आदर्शवादी देखो देखो भाई कितना आदर्शवादी बन रहा है देखो सही एक बार ऐसा कुछ नहीं करता है ओए मेरी खिल्ली मत उड़ा सबक सामने चल जा रोमेरो यू सडनली कॉल्ड मी हेयर व्हाट गोइंग ऑन क्या चल रहा है ये बिली व्हाई आर यू हेयर बिली व्हाट रोमेरो Where you that the one of called me here? You said that you teach me something cool if I may come to gym. And I am here, so what is it? Don't tell me. आप तुमने मुझसे कहा था रोमेरो कि तुम मुझे कुछ सिखाओगे तो मैं आज जिम में आ चुका हूँ मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे ठीक है ब्रैंडन इट इज़ ए शेम ये शर्मिंदगी है आई एम बिजी सो could you accompany this glum looking kid will I give you my pokemon मैं तुम्हें अपना पोकेमोन दूंगा और तुम रिसीव ए कैटर हैं अरे यार ढंग का तो पोकेमोन देता थोड़ा पोकेबॉल मिल चुकी है और इसको कैटर भी मिल चुका है अब मुझे इसको सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से पोकेमोन पकड़ना अरे भाई ये किस तरीके से आया मैं पीछे से होके आया आगे से होके आया ये तो मैं जानता हूँ इस बिल्ली से तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है हाँ ठीक है मुझे और मुझे सिखा रहा है यार किस तरह से पोकेमोन देखने हैं और किस तरह से पकड़ने यार बहुत कमाल का बंदा है यार ये तो अरे हाँ जो नया प्लेयर होते होंगे उनको सिखा देगा बिल्ली उनको सिखा बता रहे होंगे किस तरह से पकड़ना है हम तो बहुत पुराने प्लेयर हैं जैसे तू ये बूढ़ा हुआ ना 60 साल का है बहुत पुराना प्लेयर है टाइगर बांगड़ू बस यार तेरा तो यही काम है सच में जा तू अब जा मुझे करने दे गेम तो अब ये पोकेबॉल फेंक के हमें सिखा रहा है कि शुरू में कैसे पकड़ना है बहुत विचित्र तरीके से हाँ ऐसे पकड़ना है मैं तो आता नहीं था यार तो इसने पकड़ लिया है श्रूमी से जो कि ये खुद ही रखने वाला है जो ये मुझे नहीं देने वाला बिली एडिट इट माई पोकेमोन थैंक यू लेट्स गो हमें थैंक यू हमें जिम में वापस जाना चाहिए लुक लाइक यू डिड इट रोमेरो यस आई मैंने इसे पकड़ लिया बट व्हाट वाज़ द प्रिंट रोमेरो आई हियर दैट यू वर मूविंग आउट आई वाज़ वरीड अबाउट यू सो आई टुक it upon myself to teach you how to catch a pokemon billy romero thank you take care brandon you too to mera bas itna hi tha kaam now brandon you are not nearly strong abhi tum itne taakatwar nahi ho ki tum mere student ban sako yahan meri advice suno tum rest bro city jao aur wahan ek aadmi hai jiska naam brock hai you tum use challenge karna chahiye ek battle ke liye After they go on other gyms and collect badges. तुम अलग अलग जिम में जाओ वहाँ से बैजेस इकट्ठा करो एक बार तुमने अगर सारे बैजेस इकट्ठा कर लिए तो तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो Now get there and become stronger. अब तुम जाओ और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन के आओ थैंक्स रोमेरो अब मैं और मेहनत करूँगा ताकि मैं और पावरफुल ट्रेनर बन सकूँ तो हम चलते हैं थोड़ा इधर साइड ताकि हम थोड़ा घूम सकें इधर साइड और ये कौन आ गया हे यू डियर डू यू नो हे तुम यहाँ हो तुम जानते हो कि मैं कौन तुम मुझे नहीं जानते ओह आई एम रीलिंग फ्रॉम द शोक में चला गया आई एम द एम मोस मैं मोस हूँ द मोस हैं तुम मुझे याद मैं तुम्हें याद नहीं नेक्स्ट टाइम वी आर मीट आई विल टेस्ट ऑन इट अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा That how going to be bye bye now. ठीक है देख लेंगे अगली बार मैं तेरी बैंड बजा दूंगा
तो गाइस दैट द एंड ऑफ वीडियो गाइस, आई होप आपका वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह ही अपना प्यार हमें देते रहिए और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी अभी हमारे चैनल पे और भी बढ़िया बढ़िया गेम आने वाले हैं जो कि एकदम दबा के होने वाले हैं, गजब, जो मैं अपने बांगड़ू के साथ करूँगा। तो बांगड़ू सबों को बाय बोल दें। तो बाय बाय गाइस, चैनल को करो सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बाय गाइस, ख्याल रखिए अपना।